नमस्कार। ग्रेट क्वालिटीज ऑफ ग्रेट लीडर्स की सीरीज में आज चौथा पुष्प आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम एक गुण की बात नहीं करेंगे, शुरू में ऐसे व्यक्तियों की बात करेंगे जिनमें कई गुणों का समंजन है। वो बहुत ही अभूतपूर्व लोग थे और कई तो हैं। जूलियस सीजर को पोएट्री का शौक था, म्यूजिक का शौक था, प्रशासन में दक्ष था, युद्ध करने की कला में प्रवीण था, राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयामों में उसका दर्शन गूढ़ था। अलेक्जेंडर को भी फिलॉसफी, पोएट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी का शौक था। नेपोलियन ने शासन कला के विभिन्न सिद्धांतों में जो ज्ञान प्राप्त किया था उसको विभिन्न क्षेत्रों में कैसे प्रयुक्त किया जाए उसके लिए उसने मार्गदर्शन दिया था। महाराजा सवाई जैसे पोएट्री का शौक था, एस्ट्रोनॉमी के विद्वान थे, नगर निर्माण की कला में मर्मज्ञ थे, कई भाषाओं के ज्ञाता थे, वो वर्सेटाइल थे, बहुमुखी ज्ञान और प्रतिभा के धनी। रविंद्रनाथ टैगोर उपन्यास लेखन, गोरा नौका डूबी जैसे, विनोदनी जैसे, कहानियों का एक अंबार, नाटकों का भंडार, स्वयं भी रंगमंच पर नाटक करते थे, गीतकार थे, राष्ट्रगान लिखे भारत और बांग्लादेश के भी, वे चित्रकार थे, वे राष्ट्र निर्माण की विभिन्न समस्याओं के बारे में एक जागरूक अध्येता थे। विश्वविद्यालय बनाने वाला वो व्यक्ति कितना अधिक मर्मज्ञ होगा शिक्षा के क्षेत्र में आप सोच सकते हैं। आज शांति निकेतन इस बात का प्रतीक है। हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम जैसे लोग विज्ञान में, साहित्य में, निर्माण में, विभिन्न क्षेत्रों में और म्यूजिक में भी शौक, भावागोई म्यूजिक में शौक, ऐसे बहुत से लोग हुए हैं हिंदुस्तान और दुनिया में जिन्होंने कि अपनी विभिन्न विधाओं को जो कि ज्ञान विज्ञान से संबंधित हैं उनको परिष्कृत किया, समंजित किया, समन्वित किया और एकीकृत मानव के रूप में अपने आप को स्थापित किया। ऐसे बहुत से लोग हैं। अगली बात जो हम कहना चाहते हैं आज कि वो इंसान और नायक अच्छा बनता है जो कि मिशनरी जील से इसमें हो, धुन हो कुछ पाने की, चाहे वो लिंकन दास्ता से मुक्त करने वाले अमेरिका की कल्पना कर रहा हो, और यही होता है। विशल ओवर कम कहने वाला मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस प्रकार से अश्वेतों के मन में विश्वास का भाव पैदा करके उन्हें खड़ा कर देता है एक संघर्ष के लिए और विजय दिलाता है। मुस्तफा कमाल पाशा ने टर्की को एक आधुनिक देश बनाया, इट बिकेम ए मॉडर्नाइज्ड कंट्री। वो मिशन था सुभाष बोस में, वो मिशन था भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद में, वो मिशन कुछ ऐसा करने के लिए जो देश के निर्माण में वो सहायक बन सके। विश्वेश्वरैया जिसने कि इंजीनियरिंग को हिंदुस्तान में स्थापित करके उसके आधुनिकीकरण का एक नया स्वप्न देखा था। धौड़ो केशव कर्वे शिक्षा के क्षेत्र में महानतम योगदान देने वाले एक अध्येता थे। ऐसे वो लोग जिनके मन में एक अलख होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है और उस धुन के कारण से डूब जाते हैं उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, ये नायक ही महानायक बनते हैं। आधुनिक भारत कैसा हो उसकी कल्पना करने वाले आप सोच भी नहीं सकते। जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनको प्रेरणा मिली है चाणक्य से, जिसने भारत कैसा हो उसकी कल्पना 2300 साल पहले की थी। अर्थात एक मिशन, एक पैशन और उसको पाने के लिए स्वयं का समर्पण, डेडिकेशन। इस प्रकार के महानायक परिवर्तन कर देते हैं देश को, संस्थाओं को, जातियों को, समूहों को। एक अंबेडकर बदलता है दृष्टिकोण भारतीयों का। एक नायक वो होता है जो कि सब में प्रेरणा पैदा करे, अभिप्रेरणा, उत्साह, उमंग, जोश, विश्वास और आस्था। हमें ऐसे नेताओं की बहुत आवश्यकता है जो भारत को नया रूप दे सके। सतीश धवन जैसे लोग, भाभा जैसे लोग, विक्रम साराभाई जैसे लोग, कृष्ण जैसे लोग और जेसी बोस जैसे लोग विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। ये नेतृत्व ही
नया राष्ट्र बनाने में सहायक होगा। नमस्कार।